क्यों वो क्रूसेड कह के भी बच जाते हैं। साड़ी मंग यह है कि अंकन रनूला एक तो एंटी नैशनल घोषित किया जाए और इस लफ्ज़ उत्ते जिन्ना व्डे तो व्डा परचा हो सकता वो परचा हो और इन्हों की जिनी प्रॉपर्टी है और कितने पैसा आंदा है जो भी ट्रेल है वो सारी ट्रेल के उन्होंने चैक किया जाए और बिल्कुल तरीके इन्हों की एन जी ओज जी खत्म की जाए ताकि जब तक इन्हों की ट्रेल नहीं होगी पैसे की ये पिछों फसनगे नहीं ये अगह इन्हें काम बंद नहीं होंगे आप खंड नहीं रोकेगा इन्हों का। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो को देखा होगा, ये व्यक्ति है विक्की थॉमस। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इसकी वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी जहां पर ये व्यक्ति प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में कुछ ऐसी गलत बातें कर रहा था। मगर मैं आप लोगों को बता दूं इस व्यक्ति ने जिस तरीके से अपने नाम को ऊँचा उठाने के लिए फेमस होने के लिए इस तरीके से ये चीज़ की थी कि क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए क्रिश्चियनिटी के जो पादरी हैं उन लोगों को इस तरीके से बदनाम करने के लिए इसने किस तरीके से बातें की थी आप लोग इस बात को जानते हैं। मगर अब एक और नए व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह बाबा। तो दोस्तों अभी ये बाबा आप लोग देख रहे हैं, ये बाबा पहले पंजाब के अंदर रहा करते थे मगर इन बाबा ने पंजाब को छोड़ दिया और उसके बाद ये बाबा दूर किसी देश के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर वहां पर जाकर रहने लगे। मगर इस बाबा को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ये वापस से पंजाब के अंदर आ गए और पंजाब के अंदर आके इसने अपोस्टल अंकुर न्यूरोलॉजी के खिलाफ कुछ ऐसी गलत बातें करना शुरू कर दिया और इन बाबा ने उनके ऊपर बहुत सारे आरोप को भी लगा दिया कि पंजाब के अंदर अंकुर नुरला मिनिस्ट्री की ओर से पाखंड फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें इस बाबा ने यहां पर की। तो दोस्तों इन्होंने अब अंकुर नुरला के खिलाफ ही नहीं बल्कि जो आज पंजाब के अंदर आप लोग देखते हैं कि सिख लोग भी आज बहुत सारे चर्चिस के अंदर जाते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार सुनते हैं। तो दोस्तों इस बाबा ने अब उन लोगों के ऊपर भी उंगली उठा दी कि ये लोग तो पग पहनकर चर्चिस के अंदर जाते हैं, पगड़ियां पहन पहनकर इन चर्च के अंदर बैठते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, इन कामों को ये रोकना पड़ेगा, पंजाब के अंदर इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं जो बाबा पंजाब की अब इतनी फिक्र कर रहा है, ये बाबा पंजाब को आखिर छोड़कर कहां चला गया था। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं पहले विक्की थॉमस आया, जिस तरीके से उसने फेमस होने के लिए इस तरीके की चीजें की और दोस्तों वही चीजें हमें फिर से देखने को मिलती है जो कि आज अपोस्टल अंकुर नुरला जी के ऊपर इन्होंने किस तरीके के इल्जाम लगाए, आइए हम एक बार इस वीडियो को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और दोस्तों अगर आप लोग एक मसीह हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आइए हम एक बार इस वीडियो को भी देख लेते हैं। जो तुम धर्म छड़िया है ऑन रिकॉर्ड छोड़ो ना, संविधानिक तौर पर छोड़ो, गैर संविधानिक तौर पर जो धर्म परिवर्तन कर दे गैर संविधानिक है, ये तो चार सूई के परचे होने चाहिए इन्हें, फिर साड़ी दस्तारा सजा के ये लोग ये काम करते हैं। सर जी दस्तार तो हक सिर्फ सिख का, कलगीता ने कहा मेरा सिख लखा पछाने जाएगा, साड़ी आइडेंटिटी लैके अज भी देखो इंडिया टूडे पेज से सरदार की फोटो क्रॉस पकड़िया होया एक इन्हें पास्ट वो पगा बन के ये सब काम करते पे ने, यह सब फ्रॉड है। दूसरा अपने नाम पिछों सिंह तो जात लाइनी पैनी है, जब तू क्रिश्चियन ही हो गया फिर तू मसीह हो सकता ना, तू गिल संधु या इदा कुछ नहीं हो सकता। ये गैर संविधानिक प्रैक्टिस जी चलती पई है ये उत्ते सरकार रोक लानी चाहिए सी, पर सरकार चुप है। इस करके असी आवाज़ चुकी है भी बेशक साड़ा धर्म छोड़ो, साड़ी पग साड़े नाम और बेनीफिट छड़ के जाओ। कई जगह के वीडियो वायरल होंदिया कई धर्मों वालों लोगों को गुमराह कर ली, कई चमत्कारी जड़े करके स्टेज के उपर दिखाया जाता, लोगों को प्रभावित किया जाता। सो इन मुद्दों को किस तरह देखते हो, किस तरह संत समाज में ये की जोड़ा विरोधता जी सामने आई संत समाज के बारे की कहना चाहता? देखो जोड़ा ये किसी ठीक कर देना, मैं तो कहा भी तीन तुम्हें चैलेंज ने, या तो मुर्दा मैं लियावगा जिंदा तुम करोगे, मरीज़ मैं लियावगा ठीक तुम करोगे, नहीं तो बाइबल दे डिबेट हो जाए। ये लोग एंटा बाइबल ने, बाइबल ए प्रैक्टिस नहीं कहती जिमें नरूला या होर पास्टर्स ने, कोई भी चमत्कार करने तो पहले एक शर्त है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि वो बहुत जहरीला सप का जहर पिएगा तो मरेगा नहीं, फिर वो मेरे नाते चमत्कार करेगा। जे इन्हें कोई चमत्कार है तो पहले जहर पी के दिखाओ सानू स्टेज पर, जे ये चैलेंज कबूल करते हैं फिर इन्हों को हक है, फिर ये अपोस्टल बन जाते हैं, अपोस्टल तो 12 सी जीजस के जोड़े नाल सके, फिर खुद को प्रॉफिट कमाते हैं। बाइबल कहती है जीजस ने अपने मुँह कहा कि आने वाले समय से 30 दंजाल पैदा हो गए शैतान जोड़े मेरे नाँ से काम करे, तो यूँ सानू देखना पैना कि ये शैतान ने कि रब के बंदे ने। हूँ वो बच्चों ए शू किया पहला नहीं सी बोलता हूँ बोल पिया, ये सब ड्रामे ने। जे तुम ठीक कर सकते हो तो पहले पाप ठीक करो जरा व्हीलचेयर से, क्यों वो क्रूसेड कह के भी बच जाते हैं। साड़ी मंग यह है कि अंकुर नुरला एक तो एंटी नैशनल घोषित किया जाए
और इस लफ्ज़ उत्ते उसते जिन्ना वड्डे तो वड्डा परचा हो सकता वह परचा होवे और इन्हां दी जिन्नी प्रॉपर्टी है और कित्थे पैसा आउंदा है जो भी ट्रेल है वो सारी ट्रेल के उन्हों चैक किया जाए और बिल्कुल तरीके दे नाल इन्हां दी एनजीओ जिहड़ी ने खत्म की जाए ताकि जब तक इन्हां दी ट्रेल नहीं होएगी पैसे की ये पिछों फसनगे नहीं ये अगां इन्हां दे काम बंद नहीं होणगे पखंड नहीं रुकेगा इन्हां दा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी देख लिया इन्होंने यहाँ पर अपोस्टल अंकुर नरुला जी के ऊपर कितने सारे इल्ज़ामों को लगा दिया और दोस्तों बहुत सारे आरोप जिस तरीके से ये यहाँ पर लगा रहे हैं कि पंजाब के अंदर अपोस्टल अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कहा कि पंजाब के अंदर आज हम देख रहे हैं कि सिख लोग भी चर्चिस के अंदर जा रहे हैं चर्चिस के अंदर जाकर बल्कि वो पगड़ी पहनकर चर्च के अंदर जाते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भारत का संविधान हमें ये अलाउ करता है कि आप लोग किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकते हैं और आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं और आप लोगों को अपना अधिकार है कि आप लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और दोस्तों यहां पर इन लोगों का ये कहना है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से आज सिख लोग चर्चिस के अंदर जा रहे हैं पगड़ी पहन रहे हैं उस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं ये इनको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बात ये यहां पर कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग आज अपना सरनेम अपने नाम के पीछे लगाते हैं ये भी इनको नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का संविधान हमें सबको एक समान अधिकार देता है और आप लोग अपने नाम को नहीं छिपा सकते इसको आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप लोग अपने नाम को बदले अपने सरनेम को बदले और अगर कोई नाम को सरनेम को बदल भी लेता है तो दोस्तों उसके बाद ये लोग फिर से उन्हीं के ऊपर उंगली उठाते हैं उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि देखो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उसके बाद इन्होंने अपने नाम को भी बदल लिया इस तरीके से ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई नाम को बदल लेता है ये लोग उसके ऊपर भी उंगली उठाते हैं और अगर कोई नाम को नहीं बदलता तो दोस्तों उसके ऊपर भी ये लोग इसी तरीके से उंगली उठाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है किस तरीके से उन लोगों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि अगर कोई नाम को बदल ले तो दोस्तों उसके ऊपर भी ये लोग उंगली उठाएंगे अगर कोई नाम को ना बदले तो दोस्तों उसके पर भी उंगली उठाएंगे। तो दोस्तों एक बात और ये यहां पर बाबा जी कर रहे हैं यहां पर ये बाबा बोलते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि जो सबसे जहरीला सांप हो उसका विष अगर तुम लोग पी लोगे तो भी ना मरोगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये बाइबल के बहुत ज्यादा ज्ञानी बनते हैं इनको लगता है कि इनको ज्ञान बहुत ज्यादा है बाइबल से मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इन्होंने बाइबल को पढ़ा होगा तो दोस्तों इन्होंने यहां पर यह भी पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई थी शैतान के द्वारा तो दोस्तों वहां पर लिखा है अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 4:6 के अंदर पढ़ते हैं उसमें लिखा है और यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो दोस्तों यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और यहां पर ये बाबा जी कहते हैं कि बाइबल के अंदर तो लिखा है कि अगर कोई जहरीले सांप का जहर भी पी ले वह नहीं मरेगा इसलिए तुम लोग पी कर दिखाओ। तो दोस्तों बाइबल के अंदर यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर बाबा जी फेल हो जाते हैं और जिस तरीके से आज ये अपोस्टल अंकुर नरुला जी के ऊपर इल्जाम को लगा रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय मसीह की।